दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं एक पोयम ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड यानी कि पश्चिम से आने वाली हवाएं। इस पोयम को 1819 में पी.बी. शेले ने लिखा था। मैं लाइन बाय लाइन इस पोयम को नहीं समझाऊंगा, बल्कि इस पोयम में समझने लायक जो चीजें हैं मैं उन्हीं चीजों को समझाऊंगा। तो पोयम के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा शेले के बारे में। देखिए, शेले एक साइंस का स्टूडेंट था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसको वहां से निकाल दिया गया क्योंकि इसने कुछ भड़काऊ लिख दिया था, जिसकी वजह से इसको वहां से निकाल दिया गया। तो ये क्योंकि एक साइंस का स्टूडेंट था, तो ये अपनी पोएट्रीज के अंदर कुछ साइंटिफिक एलिमेंट्स भी यूज करता था। जैसे इसकी एक पोएट्री है द क्लाउड, उसमें साइंस का एक टॉपिक है वाष्पीकरण, वो पूरा एक पोएट्री में बता दिया इसने। इवन आज हम जो पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं ओड टू द वेस्ट विंड, तो अगर ध्यान दोगे तो इस पोएट्री में भी आप लोगों को बहुत सारे साइंटिफिक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो क्या है ये ओड टू द वेस्ट विंड, क्या बताया है इसमें शेले ने? शेले सीधे सीधे अपनी इस पोयम के माध्यम से रिफॉर्म्स, सुधार लाने का मैसेज देता है। अब ये सुधार किस टाइप का लाना चाहता है? सुधार इस टाइप का कि पुराना जाए और नया आए। इस पोयम में शेले ने वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर दोनों कहा है। मतलब पुरानी चीजों के लिए तो डिस्ट्रॉयर और नई चीजों के लिए प्रिजर्वर। वेस्ट विंड क्या है ये? वेस्ट विंड एक हवा जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। शेले ने इस हवा को डिस्ट्रॉयर भी कहा है पुरानी चीजों के लिए और प्रिजर्वर कहा है नई चीजों के लिए। अब ये वेस्ट विंड जो आती है तो इतने भयानक तरीके से आती है कि पेड़ों की जो सूखी पत्तियां जो होती है ये इसके आने से नीचे गिर जाती है। ये सूखी पत्तियां अलग अलग कलर्स की होती है, यहाँ पे कलर्स भी बताए हैं शेले ने। तो ये सूखी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। अब इस पोयम के शुरू के तीन पार्ट्स के अंदर तो शेले वेस्ट विंड की ताकत के बारे में ही बताता है। इसके अलावा इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो 14-14 लाइनों के हैं, यानी कि एक सोनेट की तरह, लेकिन ये सोनेट नहीं है। अब इस पोयम की शुरुआत में स्पीकर शेले ये वेस्ट विंड को ओ वाइल्ड वेस्ट विंड कह करके उसे याद करता है, जो सूखे पत्तों को, पेड़ों पे जो सूखे पत्ते होते हैं डेड लीव्स, उनको अपने साथ ले जाती है, एक जादूगर की तरह जो भूतों को अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पे ये पत्तियां जो है ये अलग अलग कलर्स की होती हैं, रेड, ब्लैक, पेल, येलो और ऐसी बहुत सारी। तो ऐसे लगता है जैसे इन पत्तियों को कुछ बीमारी हो गई हो। इन पत्तियों को ये वेस्ट विंड अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। इन पत्तियों के साथ साथ वेस्ट विंड कुछ बीजों को भी, सीड्स, उन्हें भी अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। और जैसे मुर्दे को दफन करते हैं ना जमीन के नीचे, वैसे ही उन्हें ले जा करके दफन कर देती है। और वो बीज, वो सीड्स जमीन के नीचे तब तक दफन रहते हैं जब तक कि इसकी वेस्ट विंड की सिस्टर स्प्रिंग आ करके उन बीजों को नहीं जगाती। स्प्रिंग आकर के, तुम्हारी सिस्टर आकर के उन बीजों को जगाती है, फिर छोटी छोटी कलियां खिलती हैं, पूरी पृथ्वी उन कलियों से हरी भरी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पत्तियां हैं जो सूख चुकी हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, तो वेस्ट विंड आकर के उनको तो पेड़ से गिरा देती है, लेकिन बीजों को अपने साथ ले जाकर के जमीन में दफन कर देती है और वो बीज स्प्रिंग आने पर खिलते हैं छोटी छोटी कलियों के रूप में। तो वेस्ट विंड पुराने के लिए तो डिस्ट्रॉयर है और नए के लिए प्रिजर्वर। दोस्तों मैं इस पोयम को तीन पार्ट्स में कवर करूंगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और ये पहला पार्ट हो चुका है और दूसरा और तीसरा पार्ट भी आज और कल में ही लाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।